जैन साथियों, पीके फार्म क्लास के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान फार्मासिस्ट भर्ती के बारे में। तो आप सभी को आज न्यूज़ में देखने को मिला होगा कि राजस्थान फार्मासिस्ट की जो वैकेंसी 9 साल से अटकी हुई थी उसका रास्ता साफ हो गया है। पहले बोर्ड, फिर MNIT ने मना किया, अब सिपू को भेजिए अभ्यर्थना। तो ये जो सिपू है वो क्या है, तो ये है आपकी राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्था, जो कि पहले 2016 के अंदर जो वैकेंसी आई थी कॉन्ट्रैक्ट बेस की, उसको भी इन्होंने कंडक्ट किया था। और ये जो वैकेंसी आने वाली है 2684 पदों पर जो भर्ती होगी फार्मासिस्ट की, उसके लिए भी ये संस्था अब आगे आई है और यहाँ इनको अभ्यर्थना भेजी है। और ये वैकेंसी दीपावली के बाद में आने की उम्मीद है। तो आपको क्या लगता है, ये वीडियो बनाने का मेरा जो मोटिव है वो यही है कि आप सभी दोस्तों को इस वैकेंसी के बारे में क्या लगता है कि ये वैकेंसी दिवाली तक आएगी या नहीं आएगी। अगर ये वैकेंसी आ जाती है तो किस बेस पे आएगी, परसेंटेज बेस पे आएगी या फिर एग्जाम बेस पे, तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। यहाँ पे सभी साथियों से निवेदन है कि अनुचित कमेंट्स ना करें। इसके अलावा ये जो वैकेंसी है, आप सभी को पता है 2018 के अंदर आई थी 1736 पोस्टों पे, और सितंबर 2022 में इसको सिफू के द्वारा कराने के लिए भेज दिया गया है। और जैसे कि आप सभी को पता है 2020 की जो दिवाली थी उस टाइम पे ये वैकेंसी को निरस्त कर दिया था, और अब ये वैकेंसी जो है ये वैकेंसी आपकी दिवाली के टाइम पे आने वाली है। तो आप सभी को क्या लगता है कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। 2684 पोस्टों पर ये वैकेंसी आने वाली है, ऐसा इसमें कुछ लिखा हुआ है। कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और क्या लगता है आपको इस वैकेंसी के बारे में। तो आज की वीडियो में छोटा सा अपडेट आप सभी लोगों से चाहिए था, इसलिए हमने ये वीडियो आपके लिए बनाई है, क्योंकि काफ़ी मैसेज और कॉल हमें आ रहे थे कि ये जो वैकेंसी है आपकी आएगी तो परसेंटेज बेस पे आएगी या फिर एग्जाम बेस पे। तो आपकी क्या राय है वो आप ज़रूर बताएं। साथ साथ में काफ़ी ये भी मैसेज आ रहे हैं, अगर ये वैकेंसी आ जाती है तो क्या ये कोर्ट में जाएगी या नहीं जाएगी। इन सभी का जो सार है, उन सभी के सार से आपको क्या लगता है उसके बारे में ज़रूर कमेंट्स बताएं, क्योंकि 67,062 साथी राजस्थान फार्मेसी काउंसिल के अंदर रजिस्टर्ड है और 18,000 दवा वितरण केंद्र संचालित हैं और उन पर अभी तक फार्मासिस्ट की नियुक्ति नहीं हुई है। तो 2684 पदों के लिए फार्मासिस्ट की भर्ती आने की उम्मीद है। तो ये वैकेंसी आएगी तो किस तरीके से आएगी, अपनी राय जरूर दें। उसके अलावा कमेंट्स में ये भी बताएं हमें कि ये जो वैकेंसी है ये क्लियर कब तक हो जाएगी। तो आज की वीडियो में ये छोटी सी अपडेट थी, दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो भी अपनी राय दे सके। मिलते हैं नेक्स्ट फार्मा अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सर।